तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड को डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं। तो कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको सबसे पहले तो आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में UIDAI लिख देना है। गाइस UIDAI लिखने के बाद में गाइस आपको फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने की बोलेगा। मैं लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूं। अभी गाइस न्यू अपडेट के अंदर हम जैसे ही जो है लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद में डेस्कटॉप साइट पर करेंगे तो यहाँ पर गेट आधार के जस्ट नीचे आपको डाउनलोड आधार वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको डाउनलोड आधार वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। डाउनलोड आधार पर क्लिक करने के बाद में आपको दोबारा से डाउनलोड आधार वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में गाइस आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद में आपको आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी और वर्चुअल आईडी तीनों से कोई से भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। मैं फिर जो डिटेल है वो फिलअप कर लेता हूं। यहां पर आप देखते हो गाइस कि मेरा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो गाइस काफ़ी आसान तरीके से।